रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हर साल की तरह इस साल भी प्रेस क्लब हमीरपुर द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर सर्किट हाउस में खिचड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर के उपायुक्त हरकेश मीणा ने शिरकत की। आयोजन के दौरान प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और खिचड़ी का खूब आनंद लिया। हर साल की तरह इस साल भी प्रेस क्लब हमीरपुर द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर सर्किट हाउस में खिचड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने शिरकत की। आयोजन के दौरान प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और खिचड़ी का खूब आनंद लिया। खिचड़ी कार्यक्रम के दौरान सर्किट हाउस में सभी पत्रकार बंधुओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर DPRO हमीरपुर हेमंत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने खिचड़ी कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आपसी मेलजोल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय बाद होने चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति की परंपरा बनी रहेगी। भाई पंकज जी ड्यूटी दोगे आप यहाँ पर? सर मैं तो आपके सहयोग के लिए। आइए सर, आप दही नहीं लेते? ये स्पेशल है तो शब्द आपने अच्छा यूज कर लिया ले, तो मतलब बैठ के खाइए भाई साहब, इधर आइए प्लीज, चेयर्स लगाइए आपके। जलवा है भाई जी, आप देखने वाले की नजरों का जलवा। आप कम क्यों खा रहे हैं? नहीं हो रही है यहां जैसे बेटू गा देख रहे हैं, थले थले करती यार, रिकॉर्डिंग चली है, तो चलते चलो, फोटो खिंचा रहे हो जरा भाई, आप तो जरा जल्दी। प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर ने बताया कि हर साल की परंपरा के दौरान आज खिचड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर के सभी प्रेस क्लब के सदस्यों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। देखिए, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर खिचड़ी का आयोजन किया जाता है, तो उस दिन क्योंकि परिवार के प्रेस क्लब के सभी सदस्य जो हैं वो अपने अपने घरों में इस आयोजन को करते हैं, तो उसके उपरांत ये एक परंपरा है प्रेस क्लब हमीरपुर की कि सब लोग इकट्ठे होकर एक खिचड़ी भोज का आयोजन करें। तो इस बार आज हमने ये आयोजन किया है और प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने इसका आनंद किया है। जिलाधीश महोदय इस अवसर पर हमारे साथ हैं, तो यही आज का उपलक्ष्य यही था कि हम जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी उसका निर्वाह करें और साथ में हमारी जो परंपरा है क्लब की कि हर वर्ष हम लोग इस खिचड़ी उत्सव को एंजॉय करें। तो इस अवसर पर लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सबको भी बहुत बहुत बधाई।